नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेथी के पराठे की रेसिपी, जिसे हम बिल्कुल नए अंदाज में बना के तैयार करेंगे और एक साथ हम ढेर सारे यहाँ पे पराठे सेक कर तैयार करेंगे। बिना परेशानी आपके पराठे बनके तैयार होंगे। अगर पराठे बनाते बनाते आप बोर हो जाते हैं तो नहीं होंगे, क्योंकि हम एक साथ ही ढेर सारे पराठे बनाने वाले हैं और इस नए तरीके से बेलने वाले हैं, और अंदर से ये सॉफ्ट हैं और ऊपर से क्रिस्पी हैं, जैसे कि नाश्ता वगैरह होता है। और आप इस पराठे को हरी चटनी या फिर रायते या दही के साथ खा सकते हैं। मेथी के पराठे सभी को बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, और देखिए कितने बढ़िया यहाँ पे पराठे बने हैं, ऊपर से आपको क्रिस्पी दिख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं इसे बनाना, और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर मेथी को ये पत्ते हमने निकाल लिए थे, हमें डंठल यूज नहीं करना है। अगर आपके पराठे थोड़े से कड़वे वगैरह बनते हैं तो वो नहीं बनने वाले, क्योंकि यहाँ पे हम पत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। पत्तों को हमें काट लेना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं काटेंगे, थोड़े बड़े साइज़ में ही हम पत्तों को काट के तैयार करेंगे। और यहाँ पर मैंने मेथी को धुल लिया था, आप चाहें तो काटने के बाद भी धुल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले धुल लीजिए या बाद में धुल लीजिए, तो जैसे ही आपकी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। और इनको काट के साइड रख देते हैं, और यहाँ पे अब मसाला तैयार करेंगे। तो इसमें सौंफ डाली है आधी चम्मच, एक चम्मच धनिया डाला है, और एक टुकड़ा हमने अदरक का लिया है, दो से तीन लहसुन की कली ली हैं, दो हरी मिर्च को मैंने इस तरह से काट के डाला है। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधी चम्मच जीरा डाला है, और साथ में नमक डाल दिया है। इन सारे मसालों को अच्छे से हमें दरदरा सा पीस कर तैयार कर लेना है। मसाले पीस के हमने साइड रख दिए हैं। अगर आप मसालों को कूटना नहीं चाहते हैं तो मिक्सी में भी चला सकते हैं। और दो कटोरी हमने यहाँ पे गेहूं का आटा ले लिया है, और इसमें मैंने हल्दी डाली है। हल्दी से हमारे पराठे में कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ में हमने यहाँ पर लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है और गर्म मसाले का। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने यहाँ पे एक चम्मच दही का इस्तेमाल किया है। ये पूरी तरह से दही ऑप्शनल है, पर इससे पराठे जो हैं ज़्यादा देर तक अगर रखे रहें तो अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। और एक दो चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे, सिर्फ एक दो चम्मच ही डालना है। और जो मसाले हमने कूट कर बनाकर तैयार किए हैं ना, वो मिलाना है, उससे इन पराठों में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आने वाला है। और अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है, और जो मसाला हमने तैयार किया था वो भी डाल लिया है। तो अब हम डालेंगे लास्ट में ये पत्ते, जो मेथी के पत्ते हमने काट के रखे थे, इनको हम मिला देंगे। और अभी मैंने पानी ऐड नहीं किया है, ज़रूरत पड़ने पर ही हम पानी डालेंगे। तो बस अब हमने पानी डालकर इसे अच्छे से गूँथ लेना है। पानी आपको बहुत ही धीरे धीरे डालना है, क्योंकि मेथी के पत्ते अगर आप धोएंगे तो उनमें भी पानी रहेगा। तो इनको पहले आप अच्छे से मिला लीजिए, और इस तरह से टाइट आटा गूँथ के तैयार कर लीजिए। जैसे पराठा का आटा लगाते हैं, ठीक वही आटा मैंने लगाया है, रोटी जैसा नहीं लगाया है। और अच्छे से ये आटा लग के तैयार हो गया है। अब हम आटे को साइड रखेंगे और पराठा बनाना शुरू करेंगे। सिर्फ 5 से 10 मिनट ही इसे रेस्ट देंगे। और अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे छोटी छोटी, क्योंकि हम एक साथ ही ढेर सारे पराठे बनाने वाले हैं। तो मैंने पहले यहाँ पे 5 से 6 लोइयां तैयार कर ली हैं, और लोइयों को अभी हमें गोल कर लेना है इस तरह से। तो सारी लोइयां अब हम इस तरह से बना के पहले रख लेते हैं, और इसके बाद ही हम इन्हें बेल लेंगे। तो इन पर हम सूखा आटा लगाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा इस तरीके से बेल कर रखते जाएंगे। सिर्फ एक दो बल्ला इस तरह से मार देंगे इनमें, थोड़ा सा ये लोई की तरह फैल जाएं। तो बस मैंने इस तरह से इन्हें बेल लिया है। इसके बाद हम इन्हें एक साथ ही सब बेल कर तैयार कर लेंगे। जितने भी पराठे हैं उनको एक साथ बेल देना है आपको, और बस इन पे आटा ज़रूर सूखा लगा ले, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। और जब ये बिल जाएंगे तब हम इन्हें अलग निकाल लेंगे एक एक करके। तो पहले तो हमने एक साथ इतने सारे बेल लिए, और फिर बेलने के बाद इनको इस तरीके से निकाल लिए।
अब हम चौकोर पराठे बनाने वाले हैं तो इसको ऐसी तरह से फोल्ड कर देंगे। अगर आप चौकोर नहीं बनाना चाहते हैं तो आपके गोल पराठे तो बिल्कुल तैयार ही हो गए हैं एक साथ ढेर सारे। तो मैंने यहाँ पे इसे चौकोर शेप दे दिया है। तो इसी तरह से हम बाकी के भी बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो आप इस नए तरीके से पराठे बनाइए तो बनाने में आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी, आप ढेर सारे पराठे एक साथ बना पाएंगे। तो सारे पराठे हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो मैंने तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो जो भी तवा आपके पास बड़े साइज का हो तो वो ले लीजिए आप, ताकि आप एक साथ ढेर सारे पराठे सेक पाएँ। तो आँच को मीडियम कर दीजिए और इन्हें इस तरह से सेट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से खिसका के जगह बना लीजिए और इन्हें सेट कर दीजिए। तो जितने आ जाएं तवा में एक साथ ही डाल दीजिए, ताकि हम एक साथ सेक पाएँ। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से इन्हें डाल दिया है, जब नीचे से ये सिक जाएंगे तब हम इन्हें पलटेंगे। तो आप चाहें तो इसके ऊपर पहले तेल लगा सकते हैं या फिर बाद में लगा सकते हैं, जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने इसके ऊपर तेल लगाना शुरू कर दिया है। आप चाहें तो इन्हें घी में भी बना सकते हैं, पर तेल में भी बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनके तैयार होते हैं मेथी के। तो इस तरीके से मेथी का सीजन भी है और खाने का मन भी करता है। जैसे जैसे मौसम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, सर्दी शुरू हो रही है, तो हमारा जैसे पराठा पूड़ी कचौड़ी खाने का मन कर सकता है। तो इस तरह से आप पराठों को बना सकते हैं नाश्ते में सुबह, या शाम के खाने में भी इन्हें बनाया जा सकता है। तो जब नीचे से ये सिक गए हैं तो मैंने इन्हें पलट दिया है, और जैसे मैंने इनको शेप दिया है ना चौकोर, उससे ये क्रिस्पी हो जाते हैं। तो देखें आप कितने बढ़िया आप सिक गए हैं ये, और मैंने इन्हें पलट दिया है। तो एक साथ आप ढेर सारे पराठे इस तरीके से बनाइए और गर्मा गर्म खाइए। उम्मीद करती हूँ ये नया तरीका आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और सारे पराठे देखें बहुत ही अच्छे कलर आने तक सिक गए हैं। तो इनको मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में। पराठे हमारे बनके तैयार हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट हैं, मुलायम हैं, क्रिस्पी हैं। तो इन पराठों की रेसिपी को आप ट्राई करिएगा, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। क्योंकि इतने ज़्यादा ये क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हैं। मिलेंगे हम इसी तरह की और नई नई रेसिपी के साथ।